एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादातर क्या होता है, एक तो है टॉप के कॉलेजेस जैसे IIT हो गया और हो गए नंबर 1 नंबर 2, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसमें एडमिशन नहीं मिलता, तो वो एडमिशन लेते हैं एक ऐसे कॉलेज में जो इतना अच्छा नहीं है। अब उस कॉलेज में क्या बात हो रही होती है, एडमिशन भी खुद ही लिया है लेकिन 24 घंटे उस कॉलेज की बुराई हो रही होती है कि इस कॉलेज की ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एडमिशन के टाइम पे तो हमको ये बोला था, अब देखो कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ का ये अच्छा नहीं है, यहाँ का वो अच्छा नहीं है, सबसे बुरा यहाँ का प्लेसमेंट बिल्कुल बेकार है। उस कॉलेज में सब लोग बोल रहे हैं, 100 के 100 लोग बोल रहे हैं कि भाई इस कॉलेज से निकल करके एक बड़ी कंपनी छोड़ो, 6,000 की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। राइट, ऐसा ही होता है, ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं चारों तरफ और हम भी करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है, छोड़ो दुनिया को, छोड़ो और बाकी सब लोगों को जो वो कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो आपके साथ कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, तो आपको बोलना है भाड़ में गई बाकी पूरी दुनिया, इसी कॉलेज से निकलूंगा और इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे लिए जॉब मिलना आसान है। भाई 99% लोग बोल रहे हैं मुश्किल है, तो बोलने दो ना यार, उनको करने दो 6,000 रुपए की नौकरी, उनको लड़ने दो उसके लिए, मैं तो टॉप कंपनी में जाऊंगा। अब क्या होगा जब आप ऐसा बोलोगे, बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है, फिर बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है, मुश्किल है। जिस दिन अंदर से आवाज आ गई ना आसान है, अंदर से यहां से कि हाँ मेरे लिए आसान है उस कंपनी में जाना, उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं आप बैठे हुए होंगे उस कंपनी के। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, प्रैक्टिकली आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, आज इंडिया की या वर्ल्ड की कोई भी टॉप कंपनी को उठा के देख लो, क्या वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं? नो, 80% से ज्यादा लोग ऐसे ऐसे कॉलेजेस से निकले हुए हैं जो आपसे भी नीचे वाले लेवल के हैं या आपके ही लेवल के हैं। अरे तो मेरे भाई, जब 80% लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट, जब आप बोलते हो आसान है तो आपको ऐसे हजारों लाखों लोग दिखेंगे जो इससे भी नीचे वाले कॉलेजेस से निकले हैं और आज पता नहीं अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रखी है उन लोगों ने। राइट,